आपके मोबाइल का कैमरा, माइक्रोफोन, सारे कॉन्टेक्ट, कॉल हिस्ट्री और सारे मैसेजेस तक हैकर के कंट्रोल में होते हैं। फिर तो आपकी पर्सनल चैट भी आपकी पर्सनल नहीं रह जाती। आप किससे क्या बातें कर रहे हैं ये सब उसे पता होता है, क्योंकि ऐसा फ्रॉड तो मेरे साथ भी हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन का उपयोग होना आम बात है। ऐसा कहते हैं कि आज के युग में मोबाइल ही व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि देखो यदि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक रास्ते में कहीं ऐसी जगह आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां आपको कोई व्यक्ति दिखाई न दे, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल ही काम आता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी बुरी परिस्थिति में पड़ने पर कॉल करके हम अपने सहयोगियों या परिजनों को बता सकते हैं। घर पर बैठे बैठे अपने बहुत दूर बैठे शुभचिंतकों से मैसेज भेजकर या कॉल करके बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके उन्हें देख सकते हैं। कहीं किसी क्षण को यादगार बनाना हो तो फोटो खींच सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। मनोरंजन के लिए या नॉलेज के लिए दुनिया भर का ज्ञान हम सोशल मीडिया ये वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये बातें मैंने अनुभव भी की हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, बोले तो गांव पर गांव, और यदि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो हमारे पास बैठे हमसे बात करे, तो उस समय भी हमारा मित्र हमारा मोबाइल ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मोबाइल को ही पता होता है कि उसके धनी का यानी उसके स्वामी का कैरेक्टर कैसा है, वो क्या देखना पसंद करता है, क्या सुनना पसंद करता है, उसकी सोच कैसी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, तो मित्रों यहाँ तक तो लगभग सभी लोग जानते हैं, किंतु बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हमारा मोबाइल हमारा सबसे बड़ा मित्र ही नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह हमारे विषय में इतना जानता है जितना हम स्वयं भी नहीं जानते। और कई लोग फोन की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतते हैं, जिस कारण उनका फोन हैक हो जाता है और सारा डाटा चोरी हो जाता है, और फिर उनके डाटा के साथ क्या क्या होता है ये वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर स्मार्टफोन यूजर को ये पता होना चाहिए कि आखिर एक फोन किस प्रकार हैक हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमारा फोन हैक क्यों किया जाता है, क्या मिलता है हैकर को ऐसा करके। तो मित्रों किसी भी फोन को हैक करने पर उसका सारा नियंत्रण हैकर के हाथों में चला जाता है। आपके मोबाइल का कैमरा, माइक्रोफोन, सारे कॉन्टेक्ट, कॉल हिस्ट्री और सारे मैसेजेस तक हैकर के कंट्रोल में होते हैं। वो चाहे तो आपके मोबाइल से किसी को भी मैसेज या कॉल भी कर सकता है। फिर तो आपकी पर्सनल चैट भी आपकी पर्सनल नहीं रह जाती। आप किससे क्या बातें कर रहे हैं ये सब उसे पता होता है। वह आपकी मोबाइल की सारी गतिविधि देख सकता है। तनिक सोचिए, आपके मोबाइल में बैंक की डिटेल्स आती हैं, अकाउंट से पैसे निकालने पर मैसेज में ओटीपी आता है जिसे हैकर आसानी से पढ़ सकता है और आपका अकाउंट तुरंत खाली हो सकता है। और कई केसेज में ऐसा भी देखने को मिलता है कि हैकर विक्टिम को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, पैसे मांगता है या कुछ भी और करने के लिए कहता है और धमकी देता है कि तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे प्राइवेट फोटोज, वीडियोस या जो भी कुछ है सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दूंगा। ऐसे में कई यूजर आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो सावधान रहे और सतर्क रहें, और अपने फोन को हैक होने से बचाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। अब हम ये जानते हैं कि हमारा फोन किस प्रकार हैक हो सकता है। दोस्तों फोन हैक करने के कई सारे तरीके हैं, किंतु यहाँ हम उन्हीं की बात करेंगे जो अधिकतर हैकर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर किसी फोन को हैक करने के लिए उसमें कोई ऐप या वायरस अवश्य ही डाला जाता है, और यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती क्योंकि इस प्रकार के वायरस छुपकर काम करते हैं और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। दरअसल इस प्रकार के वायरस फोन में इंस्टॉल होते ही गायब हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को छुपा लेते हैं और बैकग्राउंड में अपना काम करते रहते हैं, इसलिए इन्हें पहचान पाना काफी कठिन होता है। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये हमारे फोन में आते कैसे हैं। तो दोस्तों इसके भी कई सारे माध्यम हैं, जैसे मॉलिशियस ऐप। मॉलिशियस ऐप उन ऐप्स को कहा जाता है जो किसी वायरस से संक्रमित होती हैं। इस प्रकार की ऐप में खतरनाक मेलवेयर्स और दुर्भावनापूर्ण कोड छिपे होते हैं जो यूजर के फोन पर अधिकार जमा लेते हैं और फोन से डाटा चोरी करके हैकर को भेज देते हैं और यूजर को इस बात का पता भी नहीं चलता। ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर और RAT यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन इसी प्रकार के मेलवेयर हैं। कई ऐसी एप्स होती हैं जो किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर या वेबसाइटों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं, क्योंकि ऑफिशियल ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर इन्हें अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए इस प्रकार की एप्स को काफी रोचक, मनोरंजक और अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें डाउनलोड करें। वहीं कई बार इन एप्स को डाउनलोड करवाने के लिए रिवार्ड्स और कैश प्राइस का लालच दिया जाता है, और फिर बेरोजगार बैठे मित्र लालच में आकर उन एप्स को डाउनलोड भी कर लेते हैं और फंस जाते हैं। दूसरा तरीका है फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जिसमें साथ ही मैसेज में यूजर को कुछ भी लालच जैसे आईफोन, गाड़ी, कैश प्राइस या नौकरी जैसा कुछ भी लालच दिया जाता है।
साथ ही किसी बड़ी कंपनी के लोगो या नाम का उपयोग किया जाता है ताकि यूजर को यह वास्तविक लगे, और जब यूजर उस पर क्लिक करता है तो किसी फर्जी वेब पेज पर चला जाता है जो कि बिल्कुल वास्तविक लगता है। और यहाँ यूजर को मॉलिशियस ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, और ऐप के साथ यह लिखा होता है कि इस ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें और अपनी प्रोफाइल पूरी कीजिए, तभी आपको जो है इनाम वगैरह जो भी वो लालच देते हैं वो मिलेगा। और जब यूजर उसको डाउनलोड करके ओपन करता है तो उससे कई सारी परमिशन या अनुमतियां मांगी जाती हैं, और जैसे ही वो अनुमति दे या अलो पर क्लिक करता है तो उसका फोन हैक हो जाता है। नंबर 3, स्पैम लिंक्स। स्पैम लिंक से फोन हैक करना काफी आम बात है। इसके लिए अमूमन मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जो कि मिसपेलेड या शॉर्टन यूआरएल होता है, इसलिए यूजर को पता नहीं चलता कि असल में उस लिंक के पीछे क्या है, और जब वह उस लिंक पर क्लिक करता है तो कोई न कोई इन्फेक्टेड फाइल या ऐप डाउनलोड हो जाती है जो फोन के सिस्टम को हैक कर लेती है। नंबर 4, पॉपअप्स। दोस्तों जब भी हम कोई ब्राउजर ओपन करते हैं तो पॉपअप मैसेज से हमारा खूब पाला पड़ता है। दोस्तों कुछ पॉपअप्स तो ऐसे होते हैं जो अचानक प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपका फोन खतरे में है या आपका फोन में कोई खतरनाक वायरस मिला है, इसलिए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और तुरंत अपने फोन को स्कैन कीजिए वरना आपका फोन हैक हो जाएगा। इन पॉपअप्स का एनिमेशन ऐसा होता है कि एक नया यूजर तो देखते ही डर जाता है और झट से उस मॉलिशियस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और अपने ही हाथों अपना ही फोन हैक करवा बैठता है। नंबर 5, ईमेल अटैचमेंट्स। क्योंकि ईमेल एक बेसिक इंटरनेट सर्विस है और हर कोई इसका उपयोग करता है, किंतु कुछ लोग ईमेल के साथ आए अटैचमेंट को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और तुरंत डाउनलोड करके देखते हैं कि इसमें क्या है, किंतु कई बार यह उतावल यानी जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि जब अटैचमेंट में कोई वायरस इन्फेक्टेड फाइल निकलती है तो वह सारी फाइल को करप्ट कर देती है, इसलिए ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करते समय सावधानी रखें। नंबर 6, डाउनलोडिंग। दोस्तों आपको जब भी कोई फोटो, वीडियो, मूवी, MP3 सॉन्ग, डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना हो तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप गूगल पर सर्च करते होंगे और गूगल द्वारा सुझाई गई किसी भी वेबसाइट से अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेते होंगे, किंतु क्या आप जानते हैं कि वह फाइल असली है या नहीं? मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको वायरस इन्फेक्टेड फाइल मिलती हैं। इन वेबसाइट्स पर आपको पायरेटेड CD/DVDs से लेकर क्रैकेड सॉफ्टवेयर तक सब कुछ मिल जाता है, किंतु सिक्योरिटी नहीं मिलती। पायरेटेड वेबसाइट उन वेबसाइट्स को कहा जाता है जिन पर ओरिजिनल मूवी सॉन्ग आदि को कॉपी करके अपलोड की जाती है। वहीं ऐसा करने के लिए वो उस मूवी के प्रोडक्शन टीम से कोई लाइसेंस नहीं लेते और ना ही उन्हें किसी प्रकार की फीस देते हैं। जब आप इन वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो इनके साथ खतरनाक ट्रोजन्स आ जाते हैं जो आपका फोन हैक कर सकते हैं। नंबर 7, रूटेड फोन। दोस्तों जब भी आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो वह पूरी तरह सिक्योर होता है, जिससे कि कोई भी वायरस या अनधिकृत यूजर फोन के सिस्टम में घुसकर छेड़छाड़ नहीं कर सकता, किंतु जब आप फोन को रूट कर लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग अपने फोन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए फोन को रूट कर लेते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि रूट किए हुए फोन में खतरनाक वायरस और ट्रोजन्स का आना आम बात है, और ये बात तो आपने भी कहीं ना कहीं अवश्य सुनी होगी कि रूटेड फोन में वायरस बहुत आते हैं, और यदि आप भी रूटेड फोन का उपयोग कर रहे हैं तो आपका फोन भी हैक हो सकता है। नंबर 8, दोस्त या फ्रेंड्स। जी हाँ, आपके दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त जो मोबाइल या टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो तो उसे अपना फोन मत देना, क्योंकि वो आपका फोन हैक कर सकता है। मेरी इस बात को अन्यथा न ले, क्योंकि यह आपकी मित्रता और विश्वास पर भी निर्भर करता है। मेरे एक दो मित्र ऐसे भी हैं जिनके फोन में कोई फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सीधे मेरे पास चले आते हैं कि भाई देखना जरा क्या हुआ इसमें। तो कहने का अर्थ ये है कि वो विश्वास के ऊपर मुझे देते हैं, और यदि आपने अपना फोन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो विश्वास पात्र नहीं है, ऐसे लोग अक्सर कॉल करने के बहाने फोन मांगते हैं और चुपके से आपके फोन में स्पाईवेयर डाउनलोड करके उन्हें हाइड कर देते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल में क्या हो रहा है ये सारी एक्टिविटी उसके पास रहती है। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि हम अपने फोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों कोई भी फोन अपने आप हैक नहीं होता, बल्कि हमारी गलतियों के कारण ही हैक होता है, इसलिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। जैसे हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर या वेबसाइट से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। जैसे मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो GB व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, कई लोग विडमेट जैसे ऐप्स का उपयोग करते हैं, तो उनको बस मेरा यही सुझाव है कि भाई डिलीट कर दो इन्हें, क्योंकि ये ऐप्स बड़ी खतरनाक होती हैं। अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र में किसी व्यक्ति का व्हाट्सएप हैक हो गया और हैकर उनके नाम से लोगों से पैसे मांगने लगा मैसेज भेजकर, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 2, गाड़ी, लॉटरी या कैश प्राइज का दावा करने वाले सभी भ्रामकों से दूर रहें, क्योंकि कोई किसी को ऐसे ही लाखों करोड़ रुपए नहीं देता। इस बात को अच्छे से समझें,
क्योंकि ऐसा फ्रॉड तो मेरे साथ भी हो चुका है। वो कहानी आपको फिर कभी बताऊंगा, पर तब से मैंने ये जान लिया कि ये सारा खेल ही धोखे और पैसों का है। इसलिए अपने लालच पर नियंत्रण रखें और विवेक से काम लें। फिर तो उसके बाद मैं ऐसा सतर्क हुआ कि अब जब भी कोई मेरा मित्र व्हाट्सएप पर मुझे कोई लिंक भेजता है तो मैं तुरंत ही समझ जाता हूँ कि ये क्या बोलने वाला है। और होता भी वही है, वो बोलता है भाई इसे डाउनलोड कर ले, 5 रुपये तुझे मिल जाएंगे, 5 मुझे मिल जाएंगे। तो ऐसे मित्रों से भी सावधान रहें, और यदि ना माने तो उनको ये वीडियो भेज दें। नंबर 3, ईमेल या मैसेज में प्राप्त किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें, और यदि आपको भेजने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति है तब तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 4, ब्राउजिंग के दौरान कभी भी पॉपअप्स को अलाउ न करें, और अच्छा होगा यदि आप पॉपअप्स को ब्लॉक कर दें, इसके लिए ब्राउजर की सेटिंग में ऑप्शन होता है। नंबर 5, अपने फोन में कभी भी क्रिकेट एप्स और गेम्स को न रखें, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए हमेशा ओरिजिनल एप्स का ही उपयोग करें। नंबर 6, हालांकि फोन रूट करने के कई लाभ हो सकते हैं किंतु उतनी ही हानि हो सकती है, इसलिए अपना फोन अकारण ही रूट न करें। नंबर 7, जब भी आप अपने किसी दोस्त को फोन दें तो प्रयास करें कि वो आपके सामने ही फोन यूज करें। नंबर 8, यदि कोई एप्स आवश्यकता से अधिक परमिशन मांग रही है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये गेमिंग ऐप है, और यदि वो आपके कैमरे का एक्सेस मांगती है या फिर आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस मांगती है, तो उसका आपके कैमरे या कॉन्टेक्ट से क्या काम, तो ऐसी एप्स का उपयोग करने से बचें, चाहे वो प्ले स्टोर की ही क्यों ना हो। नंबर 9, वैसे तो आपके फोन में किसी भी एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी आप एंटीवायरस का उपयोग करना ही चाहते हैं तो कोई अच्छा सा पेड एंटीवायरस का उपयोग करें। नंबर 10, बैंक अकाउंट या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में जो नंबर है, हो सके तो उन्हें कीपैड मोबाइल में ही यूज करें। नंबर 11, मोबाइल में हमेशा डाटा ऑन न रखें, आवश्यकता पड़ने पर ही ऑन करें और फिर उसे बंद कर दें। नंबर 12, किसी भी ऐप का अपडेट आने पर या फिर मोबाइल अपडेट आने पर तुरंत उसे अपडेट कर लें, इससे यदि आपका फोन हैक भी हो गया होगा तो वह निष्क्रिय हो जाएगा या फिर आप अपने फोन को रिसेट भी कर सकते हैं। नंबर 13, आपका फोन या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने पर तुरंत निकटतम साइबर सेल में सूचित करें। तो मित्रों, वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि एक फोन हैक होने पर हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी सिद्ध हो सकता है। वैसे तो हमारा फोन और भी कई प्रकार से हमारा दुश्मन बन सकता है या बना सकता है, किंतु उनकी बात मैं नहीं करना चाहूंगा। आशा है आप समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और कमेंट तो बनता है, और व्हाट्सएप पर अनावश्यक लिंक भेजने वाले उन मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।